Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोरोना वायरस के जानलेवा खतरे को देखते हुए लोग इससे बचाव का हर तरीका अपनाने को तैयार हैं। सोशल मीडिया पर भी कोरोना वायरस से निपटने के तमाम टिप्स वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ गलत हैं तो कुछ सही। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट में कहा जा रहा है कि कुछ मिनटों के अंतराल पर पानी पीकर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई ओरिजिनल पोस्ट में कहा गया है कि हमें मुंह और गले की हमेशा गीला रखना चाहिए और हर 15 मिनट पर पानी पीना चाहिए। इसके पीछे दलील दी गई है कि ऐसा करने से हमारी ग्रास नली से वायरस साफ हो जाएंगे और फिर पेट में जाकर एसिड से मर जाएंगे। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ट्रेंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में एपिडेमोलॉजिस्ट कल्पना सभापैथी के बीबीसी फ्यूचर से बताया कि ये कुछ ज़्यादा ही सामान्य तरह से पेश कर दिया गया है। वह कहती है कि संक्रमण किसी एक वायरस कण से नहीं बल्कि हजारों या लाखों पार्टिकल्स के संपर्क में आने से होता है, इसलिए ग्रास नली से कुछ की सफाई से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस थ्योरी की एक ये भी दिक्कत है कि इसमें केवल संभावना है कि आप सारे वायरस को अपने पेट तक पहुँचा कर मार सकें। आप तब तक अपनी नाक से भी कुछ वायरस अपने भीतर ले जा चुके होंगे। अगर ये बात मान भी ले कि कोरोना वायरस आपकी नाक या स्वास्थ्य नली तक नहीं पहुंच पाया तो ये भी आपके शरीर में अन्य तरीकों से भी पहुंच सकता है। कई लोग अपनी आंखों को छूकर भी संक्रमण अपने शरीर के भीतर पहुंचा सकते हैं। वैसे भी मुंह के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का मुख्य तरीका नहीं है। किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली छींटों को सांस में लाने से कोरोना वायरस ज़्यादा फैलता है। पानी पीने से कोरोना वायरस से निपटने का तरीका कारगर न होने के पीछे एक और वजह है। आपको लग सकता है कि कोरोना वायरस अगर आपके पेट में पहुंचते तो वे तुरंत खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पेट में मौजूद अम्लीय रसों का पीएच, जो अम्लीयता का पैमाना होता है, वह 1 से 3 के बीच में होता है। लेकिन स्टील को तोड़ने वाली बैटरी एसिड की तुलना में यह बहुत कम असरदार है। सऊदी अरब में 2012 में कोरोना वायरस के परिवार का एक ही वायरस पैथोजोन आया था। इस वायरस में हल्के एसिड या पेट में मौजूद एसिड के खिलाफ काफ़ी प्रतिरोध करने की शक्ति मौजूद थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि वायरस मरीजों के पेट में भी जिंदा रह सकता है। यह आंत की कोशिकाओं पर भी आसानी से हमला कर सकता है। टीम ने अनुमान लगाया था कि संक्रमण का यह तरीका भी संभव हो सकता है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कोविड-19 पर भी ये बातें लागू होती है या नहीं। कुछ मरीजों में उल्टी या दस्त जैसे लक्षण दिख रहे हैं। चीन के कुछ एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि वो पाचन तंत्र के संक्रमित होने के भी संकेत हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित 50% लोगों के मल में भी वायरस मौजूद पाया जाता है। पानी पीने से कोरोना वायरस के संक्रमण रुकने को लेकर अभी तक कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे मिलती जुलती अभी तक सिर्फ एक स्टडी आई है। इस रिसर्च में जांच की गई थी कि क्या पानी से गॉगल करने से श्वसन संबंधी संक्रमण रोके जा सकते हैं। जापान में यह तरीका बेहद लोकप्रिय है। स्टडी में पाया गया है कि दिन में 3-4 बार पानी से गॉगल करने वाले लोगों को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या गॉगल ना करने वालों की तुलना में संक्रमण का कम खतरा था। हालांकि इसे कोरोना वायरस के मामले में भी सच मानकर सुरक्षित महसूस करना लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस पर ही स्टडी लागू नहीं की जा सकती है और ऐसा मानना है कि खतरे से खाली नहीं है। ऐसे स्टडी में ऊपरी श्वास नली में संक्रमण पर जोर दिया गया है, जिसे साइनल गला शामिल होता है, जबकि कोरोना वायरस भीतरी श्वास नली, सीने और फेफड़े को भी संक्रमित कर रहा है। यह स्टडी भी काफ़ी छोटे समूह पर की गई थी, इसलिए इसे बहुत विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। हर 15 मिनट में पानी पीने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह की अफवाहें रोकनी चाहिए। फिलहाल सोशल मीडिया और हाथ धोने की आदत से कोरोना वायरस से बचने में मदद मिल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इन्हें कारगर और विश्वसनीय बताया है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव के लिए।